भगवत भाव के रंग में रंग कर जब हमारी आंख की रोशनी निकलेगी तब तो हम जहाँ देखेंगे वहाँ भगवान ही भगवान है। तो भगवान कहीं चले नहीं गए हैं, न दूर है भगवान, न उसके मिलने में देर है, न दूसरा है। ये हमारा मन ही कुछ का कुछ पकड़ के बैठा रहा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, छोटे से पुत्र से, कि बेटा तुम ये काम कर दो तो तुम्हें मिठाई देंगे। पुत्र ने वो काम कर दिया और पिता जब मिठाई देने के लिए आए तो पुत्र ने कहा, पिताजी मिठाई चाहिए, हमको पेड़ा नहीं चाहिए। तो पेड़ा है, ये तो बर्फी है, ये तो कलाकंद है, हमको मिठाई चाहिए। ये तो शक्कर है, तो मिश्री है, हमको तो मिठाई चाहिए। मिठाई तो शक्कर भी है, मिश्री भी है, ओला भी है, कंद भी है, पेड़ा भी है, बर्फी भी है, जलेबी भी है। हमारे मिठाई तो हमको मिल रही है, लेकिन जो सब में मिठाई है वो तो हमको दिखती नहीं है। और एक कोई कल्पित मिठाई के लिए हम तरस रहे हैं। तो जितने रूपों में हमें परमेश्वर का दर्शन हो रहा है उसका हमारे हृदय में कितना आदर है, ये चिंतनीय है, ये विचारणीय है। देखो शास्त्र के अनुसार ही तो अवतार का ज्ञान होता है। ये नहीं कि चाहे जो कल्पना कर ले कि मैं अवतार हूँ, अपनी कल्पना से भी कोई अवतार नहीं होता है। और लाख लाख बेवकूफ चीजों की कल्पना से भी कोई अवतार नहीं होता है। आप लोग बुरा तो मत मानना, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको छोड़कर बोल रहे हैं। यदि बेवकूफ न होते तो चेला बनने की जरूरत ही क्या होती। माने कुछ नहीं समझते हैं उसको समझने के लिए ही तो गुरु बनाने के लिए जाते हैं। तो वैसे ही ना समझ लोग यदि किसी को भगवान कहने लगे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो तो ना समझो कि भगवान होते हैं। शास्त्रीय पद्धति इसमें यह है कि समग्र विराट को हम देख नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। दिशाएं विराट के कान हैं, आकाश विराट की नाभि है, सूर्य चंद्रमा विराट के नेत्र, ये वायु विराट का श्वास है, पृथ्वी विराट का पांव है। ये पृथ्वी नहीं जिसके हम रहते हैं, वो मृत तत्व जो जल में लीन है। अग्नि तेजस तत्व विराट का मुख है। तो ये जितने अवतार होते हैं और जितनी मूर्तियां होती हैं वो सब विराट के अवयव होते हैं, विराट के अंग होते हैं। तो जहाँ वैदिक शास्त्र नहीं है वहाँ भगवान की पूजा पृथ्वी के रूप में होती है, जल के रूप में होती है, अग्नि के रूप, वायु के रूप में होती है, आकाश के रूप में। और हमारे शास्त्रज्ञों ने देखा कि मानव की शक्ति कितनी है, उसकी बुद्धि कितनी है, तब उन्होंने निश्चय किया कि समग्र विराट की धारणा मनुष्य ठीक ठीक नहीं कर सकता। तो विराट के एक अवयव में, एक अंग में विराट बुद्धि, तो विराट का समझो पांव है धरती,
तो उसमें शिवलिंग है जो नर्मदा में से निकलता है, उसमें शालिग्राम है जो गंडकी में से निकलता है, और भी कहीं भी पाषाण खंड को हम गढ़ के वैसी मूर्ति बना लेते हैं चतुर्भुज द्विभुज, वो है विराट का अंग, तो उसकी पूजा को भी विराट की पूजा बोलते हैं। मनुष्य की पूजा, पशु की पूजा, पक्षी की पूजा। एक बालक है अपने पिता की एक उंगली पकड़ के चल रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, अपने पिता को पकड़ के चल रहा है, चल रहा है वो पिता की एक उंगली पकड़ के, पर कहा जाएगा ये कि वो पिता को पकड़ के चल रहा है। इसी प्रकार हम उपासना में विराट के एक अवयव, एक अंग, एक अंश, एक हिस्से की उपासना करते हैं और वो समग्र विराट की उपासना हो जाते हैं। मनुष्य के सिर पर तिलक लगाते हैं तो समूचे मनुष्य का आदर हो जाता है, मनुष्य को माला पहनाते हैं गले में तो समूचे मनुष्य का आदर हो जाता है। इस तरह से भगवत बुद्धि से हम विराट के एक अंश की भी सेवा करते हैं। सब प्यासों को हम पानी नहीं पिला सकते, तो एक प्यासे को एक गिलास पानी पिलाते हैं। सब भूखों को नहीं खिला सकते, तो एक भूखे को खिलाते हैं। सब रोगियों को दवा नहीं दे सकते, तो एक रोगी को दवा देते हैं। तो ये जो भगवान का विराट रूप है, इसमें जहाँ ध्यान से आप देखेंगे वहाँ आपको विभूति मिलेगी भगवान की। जब आपने पुण्यो गंधा प्रतिव्याम का पढ़ा तो विभूति सब जगह मिले कि नहीं मिले, रसो हम अब सुपौते यह पढ़ा, तेजस तेजस तेजस्विनाम हम पढ़ा, पवन पवताम अस्मि पढ़ा, शब्द थे पौरुषम नृषु पढ़ा, तो ये समग्र विराट ही भगवान की विभूति है, वैभव है। और वर्णन करके इसका अंत स्वयं भगवान भी नहीं पा सकता। हम लोगों को ये कहने में कि भगवान ये बात नहीं जानते हैं कोई संकोच नहीं होता है। हम ईश्वर के ज्ञान की सीमा भी जानते हैं, हम कह देंगे कि ये बात ईश्वर नहीं जानते और ये काम ईश्वर नहीं कर सकता है, ये भी हम बता सकते हैं। भागवत के मूल में ही ये प्रसंग है, क्या भगवान को अपना अंत मालूम है, भगवान का अंत कहाँ है, किस देश में है, किस काल में है, किस रूप में है, भगवान का अंत कहाँ है। भागवत के मूल में ये बात कही कि भगवान अपना अंत नहीं जानता, ईश्वर अपना अंत नहीं जानता। फिर तो ये हुआ कि भगवान अज्ञानी हुआ, ईश्वर अज्ञानी हुआ, यानी अज्ञानी ही नहीं हुआ। यदि अंत होता और ईश्वर न जानता तो अज्ञानी होता, कि जब अंत है ही नहीं तो अंत है नहीं और ईश्वर अपना अंत जाने तो अज्ञानी हुआ। जब अंत है ही नहीं तो अंत को न जानना यही ज्ञान हुआ। तो हम बता दें कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता, ईश्वर दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। यदि ईश्वर दूसरा ईश्वर बनावेगा तो बनावटी ईश्वर पहले तो था ही नहीं, जो पहले ईश्वर था वो अब ईश्वर है, वो आगे ईश्वर रहेगा, और जो बीच में ईश्वर बनाया गया ईश्वर अपने को मार नहीं सकता। ईश्वर कहे कि हमारी मौत हो जाए, नहीं हो सकती, ईश्वर के किए भी नहीं हो सकती। तो ये जो ईश्वर का विस्तार है, इस विस्तार को स्वयं ईश्वर भी नहीं जानता।
अब हम आपको एक एक नाम लेकर बताएं, तो जो नाम लेकर बताने में स्वयं ईश्वर ही हार गया है, उनके नामों की गिनती हम कैसे करेंगे। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। ये तो नाम गिना दिया, केवल उद्देश्य मात्र एक गणना कर दी, दिग्दर्शन करा दिया, उद्देश्यता माने दिग्दर्शन करा दिया, ये विभूति है, ये विभूति है, ये विभूति है। जब सब विभूति है तो उसकी ही गणना कहाँ करे। ऐसा आप समझो, एक लड़की का पिता लड़का देखने के लिए गया, तो पहले उसने देखा कि उसके पास धन संपदा कितनी है, ये विभूति हो गई हो, ये दसवें अध्याय में है। और फिर ग्यारहवें अध्याय में देखा उसने कि उसकी विशालता, उसका विस्तार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। ये आसपास से जान लिया, फिर तो महाराज उससे प्रेम हो गया, ये बारहवा आता है, भक्ति हो गई उसको, तो बड़ा वैभवशाली है, बड़ा विराट है, और ये तो भक्ति करने योग्य है। फिर तेरहवें अध्याय में उससे पहचान हो गई, ज्ञान हो गया उसको, और चौदहवें अध्याय में उसको उसके सिवाय जो कुछ था उसको छोड़ दिया, गुणत्रय विभाग हो गया, और पंद्रहवें अध्याय में पुरुषोत्तम योग हो गया, उससे विवाह हो गया। पंद्रहवें अध्याय में बेटी बिल्कुल ब्याह गई, श्रीमती रूप कल्पिता कृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभोग। ये गीता का देखो क्रम, दसवें अध्याय से लेकर पंद्रहवें अध्याय तक ये क्रम, वैसे सारे ही क्रम होता है लेकिन क्रम बताने का तो समय नहीं है। अब ये आपने वैभव देखा, अब कोई तो पड़ोसी से पूछ गया, कोई दलाल से पूछ गया। अर्जुन ने कहा हम पड़ोसी की बात भी नहीं मानते हैं, दलाल की बात नहीं मानते हैं, यदि कोई अपना झूठा वैभव बताता हो तो उसकी बात पर विश्वास न करके पड़ोसी से पता लगाया जाता। अब तुम तो स्वयं यहाँ मौजूद हो, अपने मुंह से ही बता दो ना कि तुम्हारे पास क्या क्या वैभव है। तो भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, अर्जुन श्री कृष्ण का परम मित्र है, और श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक शिष्टाचार का पालन किया कि जब खांडव दान के समय इंद्र की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से नाग की रक्षा करवा दी, तो इंद्र ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण तुम वरदान मांगो। इंद्र ने कृष्ण से कहा कि तुम वरदान मांगो, और कृष्ण ने कहा अच्छा महाराज आप देवता हैं, मैं मनुष्य हूँ, आप मुझे एक वरदान दीजिए। क्या कि अर्जुन आपका पुत्र है तो इससे मेरी मित्रता बनी रहे। कभी कभी बाप लोग जो है ना अपने बेटे से मित्रता करने में बाधा डालते हैं, तो आप हमेशा के लिए हमसे ये वरदान दे दीजिए कि अर्जुन के साथ हमारी मैत्री सर्वदा बनी रहे। और इंद्र ने कहा कि ये वरदान हम तुमको देते हैं, इंद्र ने ये वरदान दिया। तो अर्जुन के जो पिता हैं इंद्र, इंद्र के वरदान से अनुमति से श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता है, और मित्रता तो स्वाभाविक है, स्वरूप से भी है, सत्यमेकम द्विधा स्थितम जीव ईश्वर है।
तो इसको कहीं कहीं तो बड़े शिष्टाचार के साथ अर्जुन को बोलते हैं, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मेरे इष्ट हो, और कभी कभी बड़ी सादगी से बुला लेते हैं कि अर्जुन ये मैत्री की बात है, वो मैत्री में बहुत शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं रहती है। तो नाम तो उसकी मम विद्या नाम विभूति नाम परंतप एस सूदेशत प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया, ये मैंने जो विभूति का विस्तार तुमको सुनाया है ये तो केवल नाम मात्र गणना मात्र है। वैसे तो सब नाम भगवान के हैं और सब रूप भगवान के हैं। आपको क्या बताने हैं, ये आंख जहां से देखने के लिए शक्ति और चेतना लेती है उसी शक्ति और चेतना को अपने सामने रख के देखती है। ईश्वर कहाँ रहता है, जहाँ से आंख में रोशनी आती है वो तार, वो एक रेशा जो हृदय से लेकर आंख तक जुड़ा हुआ है, जैसे तार पर चढ़ के बिजली आती है वैसे उसी एक रश्मि पर चढ़ के ईश्वर की चेतना और ईश्वर की शक्ति आंखों में आती है और आंख बाहर रखकर उसको देखती है। ये हमारी जीभ बोलते हैं तो बोलने की शक्ति कहाँ से आती है, कोई कहते हैं ऊपर से आती है, कोई कहते हैं नीचे से आती है। परावाक मूलाधार चक्र में है, वहाँ से बोलने की शक्ति चढ़ती है ऊपर, और कोई कहते हैं कि नहीं मस्तिष्क में ही चेतना का केंद्र है, वहीं से पानी में शक्ति आती है। तो ठीक है, ईश्वर ऊपर भी है नीचे भी है, पर पानी जहाँ से चेतना और शक्ति ले करके शब्दोच्चारण करती है वही चेतना और वही शक्ति वो अपने शब्द के द्वारा वस्तु में रख करके देखती है। वही सत्ता वही ज्ञान सर्वत्र भरपूर है। लोक व्यवहार में बोलते हैं कि ईश्वर की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं मिलता है। योन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्ता संजीवयति, अखिल कारक शक्ति भरा, हमारे इंद्रियों में, हाथ में, पांव में, इंद्रियों में, मन में जितनी भी शक्ति है उस शक्ति के धरा, उसके अधिष्ठान, उसको धारण करने वाले अखिल कारक शक्ति धरा वही एक प्रभु है जो भीतर भी है और भीतर से इंद्रियों द्वारा बाहर निकलकर अनेक रूप में दर्शन देते हैं। आपको मालूम है यदि हम सो जाएं तो, इंद्रियां बंद हो जाएं तो बाहर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी, सब भीतर सिमट जाती हैं। योन तक प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति, वाचो वाचम वाचो वाचम, ये उसकी ही विभूति है। यहाँ तो नाम मात्र बता दिया, अच्छा तो विभूति पहचानने का एक तरीका बताते हैं, तो तरीका प्रक्रिया शैली ढंग, किस ढंग से हम भगवान की विभूति को यद विभूतिमत तत्व श्री मधुर्जित तत्देवावगछत्व मम तेजोंश संभव। आप हमारी विभूति को पहचानिए, जहाँ जहाँ विभूति है विशिष्ट भवन है,
ये नहीं कि सारी सृष्टि में सादृश्य है, बोल रहे थे जिज्ञासा कर रहे थे, प्रेम से पूछ रहे थे। असल में यंत्र के अनुरूप बिजली काम करती है, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। बिजली एक होने पर भी जहाँ जैसा जो यंत्र होता है उसके अनुरूप काम करती है, ट्रेप करती है, रिकॉर्डर में, लाउड स्पीकर में आवाज फेंकती है, हीटर में गर्मी, रेफ्रिजरेटर में ठंडक, बर्फ बनाने वाली होती है, पंखे में हवा। बिजली तो एक ही है, परंतु ये विभूतियां पृथक पृथक क्यों हैं? तो इसी में ज्योत्सनावत्य क्वचित होगा, पूर्व पूर्व कर्मानुसार विशेषतानुसार जो यंत्र जैसा बन जाता है भगवत शक्ति उसमें वैसा काम करती है। इसमें शक्ति में विषमता नहीं है, यंत्र में विषमता है जिसके कारण विषमता आती है। तो दुनिया में कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है। यद्यत विभूतिमत तत्व, अब आपको विभूति भगवान का दर्शन करना हो तो देखिए कहाँ कहाँ विभूति है, श्रीमत कहाँ कहाँ श्री है। श्री माने सौंदर्य भी होता है, श्री माने संपदा भी होता है, श्री माने आदर भी होता है, आदरणीय। ये जो आजकल बाबू लोग, कई लोगों को तो ऐसी आदत पड़ी होती है सर बोलने की, हमसे भी बात करते हैं तो सर बोलते हैं, तो बोलते हैं सर। अब हम तो जानते ही नहीं है सर क्या होता है, लेकिन ये श्री जो है ना, हम लोगों के नाम के साथ जो श्री है, इसका सर काट के रख लिया है ना, श्री का सर है वो, श्रीमान है श्रीमान। तो जहाँ जहाँ विभूति है सत्ता, और जहाँ जहाँ श्री है लक्ष्मी, और जहाँ जहाँ ऊर्जा है शक्ति। यद यद विभूतिमत तत्व श्रीमत ऊर्जित वेवा, वैभव विभूति और श्री लक्ष्मी और ऊर्जा शक्ति। तो सत्ता की प्रधानता से, श्री की प्रधानता से और ऊर्जा शक्ति की प्रधानता से, जो जो पदार्थ हमें सृष्टि में दिखाई पड़ते हैं, तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। भगवान ने कहा वहां देखो हमारा अंश, हमारे तेज का ही, हमारे अंश का ही वो एक रूप है जहां तुम्हें ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा मन शक्ति। यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में ऊर्जा शब्द का प्रयोग है, वो ऋषेत्वा ऊर्जेत्वा, ये पहले मंत्र में ऊर्जा शब्द का प्रयोग है, बोलता है। तो जहाँ ऊर्जा है, जहाँ श्री है, जहाँ विभूति है, वहाँ भगवान का दर्शन करो। आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ भगवान न हो, और भगवान को पहचानो। पर वर्णन करते करते तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण भी थक गए, वर्णन करके पार नहीं पा सकते। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। आओ मेरे प्यारे अर्जुन, तुम ये बहुत लंबी चौड़ी बात सुनकर जानकर क्या करोगे? बात तो जितनी थोड़े में होती है उतनी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। जब हम किसी को बहुत विस्तार से समझाने लगते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है आपको बताओ? अरे भाई, तुम्हारी बात तो हम पहली बात तुम्हें समझ गए, क्या कहना चाहते हैं।
अब तुम हमको इतना बेवकूफ समझते हो कि घंटे भर समझा के बता रहे हो। लेकिन ये बात है कि वकील मुवक्किल की बात एक मिनट में भले समझ जाए, लेकिन ये नहीं कह सकता बस बस समझ गए अब मत बोलो, उसको कुछ सुनना पड़ेगा। डॉक्टर को अपना रोग बताओ और डॉक्टर के बस मैं समझ गया, अरे साहब मेरी तकलीफ तो सुन लीजिए, समझ लिया क्या? नहीं नहीं थोड़ा और सुन लीजिए। बोलने वालों को संतोष नहीं होता है, बहुत बोलने की प्रतिक्रिया जो है वो अच्छी नहीं होती है। इतने संक्षेप में अपनी बात साफ साफ समझा दें कि सुनने वाले को समझ में आ जाए और अपने को संतोष हो जाए कि हमने समझा दिया, तो यहाँ अर्जुन की प्रसन्नता है। देखो अर्जुन, तुम तो मुझको जानते हो, मेरी विभूति जान के क्या करोगे? अथवा बहुनई तेना सिंह ज्ञाते न सवार्जुन, एक एक नाम लेकर के हम तुमको बतावें तो तुम जान के क्या करोगे, उससे लाभ क्या है? ये तो नदिया एक घाट बहुत तेरे, नदी एक है घाट बहुत से हैं। ऋजु कुटिल नाना पथ जुशाम नृणाम एको गम्यः, हजार हजार विभूतियों का नाम लें लेकिन परमेश्वर तो एक ही है। जैन धर्म में एक श्लोक बोलते हैं, उदधा विव सर्व सिंधव प्रविदीनास्त्वयिनाथ दृष्टया, हे पार्श्वनाथ भगवान, जैसे सारी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे सारी दृष्टियां जा करके आप में मिल जाते हैं। ऋजु कुटिल नाना पथ जुशाम, मैंने स्तोत्र में कहा कोई सीधे मार्ग से और कोई टेढ़े मार्ग से चलते हैं फिरते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने कह दिया कि ऋजु मार्ग से वैदिक लोग जाते हैं और कुटिल मार्ग से अवैदिक लोग जाते हैं, पर पहुंचते सब एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। तो बहुत वर्णन करके क्या करना है, क्या विष्ट व्याहमिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, हमने अपने एक छोटे से हिस्से से सारे जगत को स्तब्ध कर रखा है और मैं स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। इदम कृत्नम जगत एकांशेन विष्टव्य स्थितः, इस संपूर्ण जगत को जो हिलती डोलती चीज है, जो चलती फिरती चीज है, जो ज्ञान में आती जाती है, जो सत्ता में आकृति बनती बिगड़ती है, उस सबको तो मैंने एक अंश में स्तब्ध कर लिया है, स्तंभित कर लिया है और स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, ये भगवान का कहना है। आप गीता पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हो तो पढ़िए, मैं सलाह ही देता हूँ। वाल्मीकि रामायण में जानकी जी कहते हैं रामचंद्र से, स्मारयेत वाम न शिक्षे, मैं आपको स्मरण दिलाती हूँ, शिक्षा नहीं देती हूँ, सिखाती नहीं हूँ, याद दिलाती हूँ। स्मारयेत वाम न शिक्षे, तो ये गीता आप पढ़ते हैं, आप उसको समझते हैं, पर गीता के भगवान जब ये बोलते हैं कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे अलग दूसरी कोई भी वस्तु अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा मई सर्वमिदम श्रोतम सूत्र मणिगणाइव, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव भी हूँ और प्रलय भी हूँ। तो विभूति जो होती है
वो प्रभाव के पहले नहीं होती है और प्रलय के पश्चात नहीं होती है। विभूति तो जीवन काल में ही होती है, वो सृष्टि काल में ही विभूति होती है। अहम सर्वस्य प्रभाव, जब विभूति नहीं थी तब मैं सबके कारण के रूप में था, और जब विभूति नहीं रहेगी तब मैं सबके प्रलय के रूप में रहूंगा। मैं ही नाम रूपात्मक इस विभूतिमय सृष्टि का आदि और अंत हूँ। ये पहले ही कह दिया, अहम आदिष्ट मध्यम च भूतानाम अंत एव च बीजम तदहम अर्जुन, इस विश्व सृष्टि का जो बीज है सो मैं। आपके ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि मजहब मजहब होता है और सिद्धांत सिद्धांत होता है। एक मनुष्य में ही अनेक जातियां कल्पित होती हैं और एक ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये भूलने लायक बात नहीं है। आप भाषा को पकड़ के बैठ जाएंगे तो ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। किसी भी भाषा में ज्ञान मिलता हो हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। सारी पार्टियां एक देश की सेवा करने के लिए होते हैं। पार्टी की सेवा करने के लिए देश नहीं होता, देश की सेवा के लिए पार्टी होती है। और ये मजहब जो है, बात को मजहब की कर रहे थे, इसको अर्थांतरण न्यास बोलते हैं। ये भी एक अलंकार है वाणी का, ये भी एक अलंकार है। एक वस्तु का वर्णन करते करते नाम ले दिया और रोका भी। एक धर्म की परिपुष्टि के लिए मजहब होते हैं, जहाँ वो एक धर्म विश्व धर्म मानव धर्म के परिपोषण से पृथक होकर अपने अपने मजहब का पोषण करने लगते हैं, वहाँ वे धर्म नहीं रहते, अधर्म हो जाते हैं। जब पार्टियां राष्ट्रपति या राजनीति को छोड़ करके पार्टी पोषण में जब लग जाते हैं तब वो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। फिर वो विदेश से भी धन लेंगे, दूसरों के चलाए भी चलेंगे, देश को हानि भी पहुंचाएंगे, ऐसा हो जाता है। और जब भाषा का आग्रह हो जाता, अरे हम इस भाषा में चाहे कैसा भी साइंस हो, कैसा भी ज्ञान हो, कैसी भी औषधि हो, वो तो है तो दूध लेकिन जरा बकरे के चाम में रखा हुआ है, क्या नहीं हमको तो अत्यादपि परम धर्म है। तब दधान सुभाव विद्या आददीता वरादपि, हमें किसी भाषा से ज्ञान लेना है, हम किसी भी पार्टी से देश की सेवा की अपेक्षा रखते हैं, किसी भी जाति से हम मानवता का संपोषण चाहते हैं, किसी भी मजहब से हम एक जो विश्व धर्म है भगवत धर्म है उसकी रक्षा चाहते हैं, उसका संवर्धन चाहते हैं। जहाँ परमात्मा छूट जाता है, किसी भी जीव की सेवा करते हैं, जीव को तो पकड़ लिया और परमात्मा छूट गया, राष्ट्र के व्यामोह ने विश्व को खंड खंड कर दिया, जाति के व्यामोह ने मानवता का तिरस्कार किया, भाषा के व्यामोह ने ज्ञान का तिरस्कार किया, मजहब के मोह ने सत्य धर्म का तिरस्कार किया। तो देखने की बात यह है कि हम कहां जा कहां रहे हैं। एक परमात्मा, ये देखो गीता का सिद्धांत है। सबसे बड़ा महात्मा दुनिया में कौन है, गीता बोलते हो अपने मुंह से। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वपिते, वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते। सब परमात्मा का स्वरूप है, सबसे बड़ा महात्मा सुदुर्लभ। देखो ये दृष्टिकोण है, ये दृष्टि है, वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते। हम भगवान के पास गए तो भगवान को क्या देखा, तो ये देखा कि वो तो सब है,
अरे वो किसका था, जिसको मैंने गाली दी तो वो भी है, जिसको मैंने मारा तो वो भी भगवान ही है, जिसका तिरस्कार मैंने किया तो वो भी भगवान ही है, जिसकी निंदा की तो वो भी भगवान ही है। अरे भाई पहुंच गए भगवान के पास, बड़ी गलती हुई महाराज। सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा जिसकी दृष्टि में सब महासब परमात्मा सब वासुदेव हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ है। आप देखो बोलने की शैली, संस्कृत में तो भंगी बोलते हैं, देखो बोलने की भंगी, भंगिमा, भंगिमा माने दृष्टिकोण ही होता है ना, भंगिमा माने दृष्टिकोण ही होता है क्या, ये नेत्र भंगिमा भी तो होती है ना, नेत्र भंगिमा। देखो ये बोलने की भंगिमा, ये शैली, ये प्रणाली कि परमात्मा तो सब है परंतु महात्मा सुदुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब परमात्मा है वो महात्मा इस सृष्टि में सुदुर्लभ है। है तो परमात्मा, किसी ने कहा ईश्वर ने अपने संकल्प से सृष्टि बनाई, बहुत बढ़िया तुम्हारे मुंह में भी शब्द है, पर संकल्प से जो सृष्टि बनाई ईश्वर ने वो अपने भीतर बनाई कि बाहर बनाई? जैसे हम अपने संकल्प से कोई सृष्टि बनाते हैं तो वो हमारे भीतर रहती है, हमारे हृदय में संकल्प और संकल्प से बनी चीज हमारे हृदय में, ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा ने यदि संकल्प से ये सृष्टि बनाई तो अपने आप में ही बनाई और अपने आप को ही सृष्टि के रूप में देखा। ये बात दुनिया के किसी भी मजहब में नहीं है, जीव भी वही है, जगत भी वही है, अचरम चरम एवच जंगम भी वही है और स्थावर भी वही है। अचरम माने स्थावर और चरम माने जंगम, सारा सृष्टि स्थिति प्रलय जो है इसका एक कारण सबके रूप में एक होने वाला भगवान अपने एक अंश में सारी सृष्टि को लेकर स्थित है। अब शंकराचार्य भगवान ने अंश का विचार किया है, अंश क्या होता है? देखो आकाश के किस हिस्से में ये पृथ्वी है, आप लोगों के पास तो बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, कुछ यहाँ है, कुछ जर्मन में है, कुछ अमेरिका में है, कुछ यूरोप में, आपके पास गणित की कोई ऐसी रीति है कि आकाश के करोड़ में, लाखवें, हजारवें या अरबवें हिस्से में है ये धरती है, आप गिन सकते हैं? यदि आप ये गिन सकते तो आकाश को नाप सकते कि पृथ्वी का इतना गुना आकाश है। शंकराचार्य ने कहा कि अनंत का अंश, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, शून्य का लाखवां अंश क्या होगा? अरे बाबा शून्य में अंश होते ही नहीं, लाखवां अंश क्या होगा है? तो अद्वितीय के किस अंश में ये सृष्टि है? तो अद्वितीय में तो अंश होता ही नहीं, इस सृष्टि का कितना गुना परमात्मा है नापो। तब उन्होंने अंश शब्द का व्याख्यान किया, अंश इवांश ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस अंश की व्याख्या में आचार्य शंकर ने कहा अंश इवांश, हम लोग लौकिक दृष्टि से जैसे अंश की कल्पना करते हैं वैसे परमात्मा में भी ये अंश के समान कल्पित अंश है, वस्तुतः वहाँ अंश नहीं है। हमारी दृष्टि से अंशांशी भाव की कल्पना होती है, परमात्मा दृष्टि से अंशांशी भाव की कल्पना नहीं होती। तो सारा देह में मैं करके तन नापने लगे, ये जितनी नाप तौल है दुनिया में
इन लोगों ने बहुत कोशिश की पर ईश्वर में कोई वजन नहीं मिला। कितना वजन है ईश्वर में? अब ये लेबोरेटरी में तो वजन ही ढूंढेंगे ना कि इसमें वजन है कि नहीं, और वजन नहीं है तो मैटर ही नहीं, द्रव्य ही नहीं है। अच्छा कितनी लंबाई चौड़ाई है ईश्वर में? किसी के ढूंढे नहीं मिला। अच्छा और कितनी उम्र है ईश्वर की? ये भी ढूंढने से नहीं मिली। तो उम्र न मिलना माने काल का अभाव है ईश्वर में, और लंबाई चौड़ाई न मिलना माने देश का अभाव है ईश्वर में, और वजन का न मिलना माने द्रव्य का अभाव है ईश्वर में। तो तब ये अभाव ही अभाव है कहने। ये अभाव प्रकाशित किससे होता है? इसका साक्षी कौन है? चैतन्य के बिना, तो चैतन्य अधिष्ठान के बिना या चैतन्य प्रकाशक के बिना तो अभाव की भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो फिर तो देखो, ईश्वर को यदि जानना है तो वजन नाप के मत जानो, वजन के माप से मत जानो, देश की लंबाई चौड़ाई माप के मत जानो, और उम्र माप के मत जानो कि कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक, क्या से क्या तक। तब जरा अपनी ओर नजर डालो। जब तक अपने आप को इस शरीर में रहने वाले अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक आपको ये कैसे ज्ञात होगा कि ईश्वर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मत्तः परतरं नाम यत् अहं कृत्स्नस्य प्रभवः, कैसे कर सकेंगे? तो ईश्वर का जब अनुभव होता है तब मालूम पड़ता है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है आत्मरूप में। यदि मैं ईश्वर से अलग रह गया तो ईश्वर अधूरा हो गया, मैं कम, मैं की न्यूनता और ईश्वर। और यदि मुझसे ईश्वर हो गया तो दृश्य परोक्ष कल्पित तो अंततो गत्वा ईश्वर का जो साक्षात्कार होता है वो आत्मरूप से ही होता है। और इस सत्य को समझाने के लिए ये हमारे संपूर्ण वेद शास्त्र, ये उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, वेद, वेद तो हमारे ज्ञान है, गीता हमारी वाणी है, परमात्मा हमारा आत्मा है, और विश्व सृष्टि जो है ये अपने सर्व रूप में दर्शन है। ये महात्माओं की अनुभूति को आप कल्पना करके छोटा करके मत समझिए। सब महात्मा सुदुर्लभा, जिसने अपने अद्वितीय को, अपने आत्मा को अद्वितीय रूप में, मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि करके जो बोलने वाला है, जो जानने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, जो साक्षात अनुभव स्वरूप है, उस श्री कृष्ण की वाणी है ये गीता। आप लोग प्रेम से सुनते हैं, सवेरे उठते हैं, आते हैं, तकलीफ से बैठते हैं, सुनते हैं। हमारे आयोजक ये सब ठाकुर जी की प्रेरणा से ही होता है, जो आयोजन होता है ना, इसमें मूल वही है। उन्होंने एक बार आदित्य से कहा कि तुम स्वामी जी का व्याख्यान कराओ, तो आदित्य ने कराया। और इन लोगों के मन में जो प्रेरणा है वो वहीं से आई हुई है, तो निमित्त मात्र लोग अपने मन से थोड़े करते। इनका भी प्रेम है, इनकी भी रुचि है, पर मूल स्रोत वही है। तो धन्यवाद के पात्र तो ये लोग उतने नहीं है जितने वे हैं। सारे परिवार के जो अलग अलग हैं, उनकी परिवार जो अलग अलग रहते हैं, सबकी धर्म में और ईश्वर में रुचि है। तो आप लोगों का प्रेम, रुचि, ये तपस्या और इन लोगों का आयोजन हमको बोलने का अवसर देता है।
और हम सच पूछते हैं, सच बताते हैं आपको, हमको ये बोलने में मजा आता है। हमारे कोई रोग हो तो बोलने के समय मिट जाता है, बुखार उतर जाता है, पल्स बढ़ी हुई होती है, हमारी पल्स 130 होती है, 150 होती है, वहाँ तक जाके जब मैं बैठ जाता हूँ प्रवचन में तो उठने के बाद 100-90 रह जाती है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जुकाम अच्छा हो जाता है, बहुत कड़ा जुकाम था वो, जुकाम अच्छा हो जाता है। तो ये इसका अर्थ ये है कि जिस काम में अपने को मजा आता है, आनंद आता है, उसमें सब रोग शोक है सब निवृत्त हो जाता है। तो ये लाभ आप लोगों का है सो तो है ही है, पर हमारा इसमें बहुत लाभ है कि हमको ईश्वर के बारे में चिंतन करने का अवसर मिलता है, और हम आप लोगों के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, और धन्यवाद देने से यदि वो पूरा होता हो तो धन्यवाद भी देते हैं, परंतु हमारी जो कृतज्ञता है, ये जो हो घंटे भर रोज ईश्वर की चर्चा करनी पड़ती है या चिंतन करना पड़ता है, उसके लिए तो हम आप लोगों के सदा सदा के लिए कृतज्ञ हैं। ओम शांति शांति।